हेलो भाई, मैं विवेक और एक मिनट मेरे कैमरे में मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ लगा हुआ है। ओहो, हो गया साफ। आज डे 3 है कि डे 4 होएगा यार। ये देखो बोनी चालू हो गई। कौन से खेत में होगी? अपने घर के पीछे वाले। ये इतने टुकड़े को बो दिया था इसमें, मक्का बोई हुई होगी, पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं जब बोया था। इसमें ही चल रहा भाई सब। अब गेहूँ का इतनी जब बतर होती है ना तो बढ़िया चलता है ट्रैक्टर, मज़ा आती है। सटासट सटासट सटासट, ये देखो इतना और रहा है बस आज इतना ही। इसके बाद में फिर अपना बोनी का काम बंद रहेगा लगभग 2 दिन। हाँ लगभग 2 दिन, क्योंकि बाकी अब जैसे ये खेत है, ये वाला, ये अभी सूखा नहीं। उधर वाला अपन ने कल बो के आए थे, उसी में ट्रैक्टर का रेडिएटर फटा था। अभी कल ट्रैक्टर के साथ क्या क्या हुआ था, रेडिएटर फटा, क्या क्या सिस्टम उसका, मैं आपको दिखाऊँगा अभी क्या क्या चीज़ हमने चेंज करवाई और दिक्कत क्या आ गई थी उसमें, वो अभी आगे दिखाएंगे। उसका रेडिएटर भी लीक हो रहा था, वैसे तो हमने कल उसको कर दिया था बढ़िया, बट अभी वो लीक नहीं हो रहा होगा तभी चला रहे उसको। अगर लीक होता तो कौन चलाता, पर कोई अंदाज भी नहीं। थोड़ा बहुत लीक हुई रहा तो नहीं, चलो चलने दो, काम थोड़ी ना रोकेंगे। बाकी तुम्हें बताऊँगा क्या हुआ अभी, ज़रा इतना खेत तो ये बोले खट से। और कल जब 700 के पर कर लू भैया, जो ट्रैक्टर का सो चले हो फिर ओपर चला तो सीडिल पर, कौन सा छोटा वाला, अच्छे चल रहा है, बस थोड़ा धीरे चले। हाँ, ब्रेक नहीं है तब ब्रेक यार, वो ये इनका आइल वाला ब्रेक रहे, वो सिंपल ब्रेक है, बाकी तो बढ़िया चले नहीं। हाँ। वो तो कहीं शेड्यूल भी होगा हिसाब से बड़ी है यार, 9 की शेड्यूल चाहिए होगा, तुम 11 की जो तरह। और अगर सूखो हो तो नहीं फिर ऐसे तेज बो नहीं कर दो वो, बट गीला में थोड़ा सा वो धीरे चलेगा, टायर छोटे ना स्लिप मारेगा, यू टायर बड़ा है। बाकी अगर तुम डोरिया खींच रहे हो, जो डोरे नहीं खींचते लाइन अपन पानी देने वाली, वो ये धीरे खींचेगा, यो ज़्यादा फास्ट खींचता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोड कम पड़ता है तो स्लिप नहीं होती थी। 2 नंबर में लेके भगेगा, यो नहीं चल सकता, ये 2 नंबर में चलेगा लेकिन इसके 2 नंबर में स्पीड कम है, उससे कम स्पीड है क्योंकि उसमें 3 गियर है, इसमें 4 गियर है, ये चक्कर है। ये देखो गेहूँ गेहूँ बो रहे हैं अभी तो हम, और सोयाबीन 20-24 होंगी यही, ये देखो 20-24 होंगे। ये अब मेरे पल्ले पड़ा है, पता नहीं कब तक चलाना पड़ेगा मेरे को। नाव नाव तो हो गई, ये खेत पूरा तो नहीं बोना पड़ जाए। ये देखो ये गर्म भी नहीं हुआ, मतलब लीकेज नहीं है। तो सबसे मतलब कोई सा भी ट्रैक्टर हो अगर उसमें यहाँ से कोई भी दिक्कत आती है तो भाई ये सबसे बेकार चीज़, अगर उसका कूलेंट गिर गया, उसका बेल्ट टूट गया, ये सबसे बेकार चीज़ है। यहाँ से सारा सिस्टम खुला था इसका, आयल ही आयल होगा वो थोड़ा थोड़ा, लीकेजिंग तो नहीं दिख रही यार। कोई सा ट्रैक्टर कोई सी कार जिसमें कूलेंट डलता है, ये देखो आयल आयल हो गया। अगर उसमें या तो उसका फैन बेल्ट टूट गया, फैन टूट गया, या फिर कूलेंट लीक हो गया, तो ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है, आपके इंजन को सीधा नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ इंजन को। बीच में चलाते चलाते अगर ये नली लग जाए भाई साहब, बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा है। तो कल्लू भैया बैठा है वो कोने पर, काम ख़राब होगा जो कोने पर। ये वाली वो वाली गई, ये सारी भर भी दिया, बोरियां भी जमा दी, अब काम करेंगे हम डबल बोनी वाला। कितने बज गए? 10:48 को डबल बोनी स्टार्ट कर देंगे। वजन कितना कर दिया? 3 ये, 3 ये, और टंकी भी फुल भर रही हुई है। अरे गेहूं मिलाना है, हां गेहूं मिलाना है, गेहूं आप कहां मिला है? उधर अंदर मामा को गेहूं मिलाना है। अरे ते हां तक तो पकड़ के ले चल देते, कैसा कैसा पकड़े, ये गिर नहीं जाए ये वाली बोरी, बढ़ जाओ नहीं, आई जा जरा बढ़ जाओ, भयंकर वजन कर दिए बस। उधर से बोतल आएगा और कहीं वो था ट्रैक्टर का ही हल्को कर दिए ना, आगे से सुपर सीडर जितना वजन कर दी ऊपर इतना भाई, वो बोरी से यहाँ तक मैंने डबल भी कर दिया, लेकिन देखो सिडिल पे कोई नहीं है। जब मेरी बोने की बारी आई तो सारे भग गए, कहीं कहाँ कहाँ, वो कोई प्रेम भैया और मामा इधर, कल्लू भैया इधर भग गए टप्पर तरफ, मारे को अकेला छोड़ दिया हैं। अब मैं बच्चा हूँ, मेरे को डर लगता ना अकेले सिडिल पे हैं, कभी यहाँ कोई आ जाए भूत, मतलब नली अली चोक हो जाए तो दिक्कत बन जाए और क्या।
पता चला अपन चला ही जा रहे और सिडिल में डाले ही नहीं है। जैसे पलेवा करके बोने में एक ही दिक्कत है जो मेरे को लगती है, ये साली नलियां बहुत लगती है, सूखे में तो ये कोई झंझट ही नहीं है। और थोड़ा सा ट्रैक्टर बेचारा धीरे चलता लोड पड़ता और ये डीजल ज़्यादा पिएगा। क्यों पिएगा? क्योंकि अगर इस पर लोड पड़ता, अगर सूखे में वो होगे ना बहुत फ़र्क पड़ता, फिर ना पीता और भगता भी तेज। मेरे को तो लगता है कभी कभी कि जब अपन इसको तोता पे चलाते हैं ना, क्योंकि तोता में धीरे लो गियर में चलता है तो उसमें बड़ा बढ़िया माइलेज देता है, अब जब ये भगेगा ना तो ज़्यादा ही पिएगा, ऐसा सिस्टम है इसके साथ। लो भाई साहब बोनी कर दी अपने खेत की कंप्लीट, इतना इसलिए छोड़ा यहाँ पे और कोई चीज़ आएगी, बाकी इसकी हो गई अपनी डबल। और 12:58 एक बजे में हो गया फ्री और सोनू ने ले आया खाद, बस अब इसमें लाइन खींचना बाकी है, वो तो सोनू ही खींचेगा। यूरिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ ले आया ट्रॉली में कि और कहीं, अरे ये तो गो है, गेहूँ है दूसरी वैरायटी वाले, क्योंकि खाद तो अपना पास था बट मेरे को लगा हो सकता है कम लगा होगा और कहीं मिल रहा होगा तो इनने खाद भी ले आए। तो आदमी उनसे गद्दा नहीं उठेगा तो का ही होगा यार प्रेम भाई, गद्दा भी तो गद्दा ही है, पूरा बहुत मोटा गद्दा है। अरे मामा चढ़ चढ़ कर लेट लेट को नीचे कर रहा पर वो नहीं हुई रुक पकड़ो। नीचे। ये देखो मैं नींद में से उठा और सोनू अपने काम पे लग गया, वो देखो 735 दौड़ दौड़ के खींच रहा लाइन, इतनी तो खींच दी थोड़ी बहुत और रही। ऊपर भैया आजकल पेंटर बन गए क्योंकि दीपावली इज नजदीक। हाँ नज़दीक तो पेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा प्रेम भाई का। तो मैं इधर मस्त चाय का स्वाद ले रहा हूँ, हॉट चाय का, इसमें लिखा काफ़ी है बाकी गर्म चाय का, उठते से ही। और सोनू लगा अपने काम में, ये देखो इससे मैंने तभी बोला था कि ये खींच दे, इसने नहीं खींचा, आप खींच रहा ये देखो, अभी खींच देगा, हो गया लगभग सारी लाइनें तो मेरे को दिख रही यहां से खींच गए। और अपने पड़ोसी खेत देखो ऐसे हरे हो गए और अपन अब बो रहे हैं, मतलब बो के आप कंप्लीट किया, इतना ये छोड़ दिया, इसमें आएगा चना, बढ़िया चाय का स्वाद और साथ में खेत का व्यू, मस्त कॉम्बिनेशन। आजकल के बच्चे धीरे तो चलाने ही नहीं चाहते, एक आध गियर और मिल जाए इनके तो ये और फंसा ले। चने का छोड़ दिया ना, अब उसको बखरने की तैयारी। लाइन तो इसने खींच दी, यो तो सिडिल लेके खड़ा है, यो कोई काम नहीं करेगा, इसके एरो में मेहंदी लगी 855 की, क्योंकि सिडिल है ना तो सिडिल मेहंदी से कम थोड़ी ना, कौन निकालेगा खोलेगा, इसलिए इस बेचारे के ऊपर सारा कारोबार छोड़ दिया गया है। अंदर बोल तो भाई फंस गया। और यहाँ पे देखो कितनी लंबी पिन डाल दी, पेंच का स्पिंचिस, कहाँ का पेंच का स्पिंचिस दे, उतने से को बखर देते हैं, मजा आ जाएगी। इसमें जितने की सिडिल चलाना चाहिए ना नौ फल्ले की, उतने का कल्टीवेटर बैठा दिया इसके पीछे, पर नौ की चलानी चाहिए नहीं, इंजन क्या बदल दिया बेचारे की जिंदगी खराब कर दी है। भाई साहब ये कल्टीवेटर का काम भी थोड़ा सा मैं ख़त्म करके इधर बज गई 5:14,
ये घोड़े पे सवार है और इसकी एक ही डिवाड है, एक और गाड़ी ली जा रही। हाँ यार, मनु को कहना है कि एक और अपन गाड़ी देख के आते अपनी, दोनों डिलक्स और साइन तो देखो, और इन पे देखो कपड़े मारे नहीं जा रहे, देखो कितनी गंदी है। इनको इनको नहलाया जा नहीं रही, छोटी तो लेंगे पर इनको नहलाया नहीं जा रही, और एक और चाहिए तो अपनी सेकंड नहीं यार, नई गाड़ी तो देख, एको मन है पर गाड़ी तो नई। ये बोल रहे चलो एक गाड़ी देख के आते हैं, क्योंकि यो गाड़ी नहीं है तो घोड़ा है, अब हमें चाहिए गाड़ी जो मतलब ऐसा पापा जी अभी सारे सब चला ले उस टाइप की गाड़ी। अपने पास दो है, बट एक साइन हो गई 11-12 साल पुरानी और डिलक्स हो गई 4-5 साल, एक और चाहिए। चल डिलक्स 7-8 साल हुई, वो पता ही नहीं चले यार, 7-8 साल हुई, मतलब अभी तो ली थी, एक ही 1.5 साल हुईगा इसको, तो मैं धुला के लाऊंगा। साइन तो तुमने देखी थी चकाचक हो गई, डिलक्स भी हो गई चकाचक, यो नहीं हुई तो इसको अपन कराएंगे। ले चलता है तो चल यार, तो मजे रहो। तू कहाँ जीरो धरा है, बहुत जल्दी हुई रही यार, तो चल लू कहाँ, अंगूठे चिपके अभी इनको चाहिए। ये बोल रहे कि अपन जैसे इधर से फ्री हो गए तो चलो शोरूम पे देख के आते हैं, शोरूम पे कौन सी गाड़ी है क्या है, तो फिर रहने दो। ये को जीव का फिर रो कि पैसा जही रहे चिट्टो आदमी, यू नहीं नहीं है नहीं, जब ही तो एक को कोई पैसा खर्च करना मन नहीं है। तू एक काम कर, तू काम कर, हम देख काम। अरे देखते कैसा हमारा यार, लेनी नहीं है, चल तो रहने दो, फिर हम देखा तो हम ली कहा, हम तो सिर्फ देखेंगे। अरे हटो फिर, ले मनु हट जा, तो मनु तू आगे सोनू मगाई गई रू, तू पीछे से बढ़ जाए, एक आगे सर कहीं देवा, जरा बंद करने दे। बोलो यार, यू मेड कलर है, मेड ब्लैक, यू भी लिए ऑरेंज, अरे रेड अच्छी नहीं लगती यार, लाल परी भी अच्छी है, लाल परी एक बार डिलक्स को कलर है वही बहुत है, एक ही जगह ग्रीन भी है नहीं यार शायद, एक में ग्रीन हो तो भी बढ़िया रहता है। नहीं यार, ग्रीन है ये जो पट्टा, नहीं है ग्रीन जा रहा, ये जो व्हाइट अच्छा है, वो ग्रीन पट्टा मिल जाएगा, और नॉर्मल साइन तो ये नॉर्मल वाली 125 ये 55 को भी निकाल देगी, है नहीं चलाना को ऊपर है। हाँ, 55 को भी। अच्छा गियर भी होती है नहीं, एक बात है मैं अगर टाइम भी बता रही हूँ, टाइम बता रही कितना पेट्रोल है, इतना हाँ। पेट्रोल में कहाँ कितना किलोमीटर चलेगी। अच्छा जीप वाला फंक्शन, ये लीवो का नया मॉडल ओडी साइन 100 cc, हाँ सिटी 100 है नहीं, अरे होंडा की गाड़ी तो गाड़ी अभी बढ़िया है, बस अपना इधर का ही लुक थोड़ा सा देखा, अपना इधर का लोगों स्प्लेंडर पे जाएगा डिलक्स पे। हाँ नहीं सुनू, यह गाड़ी ले मैं और मैं स्प्लेंडर का कपड़ा चढ़ भी ले। हाँ यार मनु जम रही खराब है, गुलाब जामुन तुम बुलेट चलेना है नहीं, कल तुम होगी मजाक उड़ेगी रहा, अभी डीलक्स आता तो कितना नहीं सही है। गाड़ी मेरे को सबसे बेस्ट ये लगी लीवो, ये ज़्यादा बढ़िया है, इसमें देखो ये मीटर भी है और ये भी है, और एवरेज भी 60 का देगी, ऐसा बात सुनने को मिला है, और डिस्क ब्रेक भी है, और साइन एस पी तो अवेलेबल ही नहीं यहाँ पे, नहीं मिलेगी वो, यह नहीं बताएगी, साइन एस पी दिखाएगी बा है ही नहीं, पर बा मिलेगी नहीं, बुकिंग कराना पड़ेगा। देख ले अब लिखेल भी है जेकी है गाड़ी। साहब हम आ गए पल्सर के शोरूम बजाज, बाकी मन मेरा देखो साइन एस पी का है, साइन या फिर लीवो दो, और यो अलग नहीं मान रहे, ऊपर चलो ऊपर चलो पल्सर, ये बताओ क्या सुनो टेप लगे रहे, बीमार तो नहीं है जब सभी में लगे फर्क पसंद नहीं, मतलब ऐसा करो चलाए ले मैंने तो पल्सर पर, यो तुम कभी कहीं की पसंद करे, कभी कहीं की ना बाल कटे लिए कहीं तो बोलो यार, तो जमता था कहीं है ना, हाँ गांव में दो तो था यार, ये गिफ्ट मिल गया होगा, ये प्रेस भी मिला गिफ्ट में, वाह यार और कहीं चाहिए प्रेस हेलमेट। अच्छा 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 हाँ ये वाला पट्टा है, वो भी वाला पट्टा है। अच्छा 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 पहले बाकी इंजन विंजन तो सब सेम है नहीं, कलर को यो नयो कलर, यो पुरानो कलर है, बहुत दिन से चल रहा है ये वाला, तो NS 150 दिखना में तो सेम है नहीं, मीटर चालू कर जी सुनो
अपना के भी ऐसी कोई सी ले लेनु तो दिखती भी झां झां बहुत हैवी होगी पर ये कलर भी बहुत प्यारो वाइट से सारी चीज तो देख ली हमने। वो जो एक जो बड़े बड़े मॉडल देख रहे थे ना वो हम सोच रहे थे इसकी जगह वो लेनी थी, लेकिन वो मैं सिर्फ बजाज वाले भैया का मन रख रहा था, बाकी ये है, चाहे ये धीरे चले बट यो है दूर हट गया। मगर चाबी दीदी, अरे हीरो अब चाबी का क्या करूं। अरे अपना घर वाला नहीं चला यार, पापा जी इनको पसंद नहीं है, देख खाओ स्प्लेंडर नहीं, पर स्प्लेंडर गाड़ी बढ़िया। देख मारो तो शुरू से ये ली थी ना, जब भी मेरे को स्प्लेंडर लेने का मन था और स्प्लेंडर तो फिर स्प्लेंडर आया। स्प्लेंडर के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? देख चलानू अपना का तो है, मेरा मन तो देखो 125 है साइन, क्योंकि मेरे को पर्सनल बहुत प्यारी गाड़ी लगती है साइन की। हीरो अपने पास है डिलक्स, क्या दिक्कत है? हर शोरूम पर कोई ना कोई पहचान को है, लेकिन इन्हें तो शोरूम से बाहर ही लिया यार सौरभ ने, यही तो नहीं है शोरूम। अरे तो मैं थारा पीछे आता आता शोरूम से बाहर हुई वो, मैं पता नहीं। अरे अच्छा इधर गोडाउन है यार, 95,500। अच्छा अलग अलग कीमत है। और जो नया मॉडल है वो डिजिटल मीटर 97, वो 97,000। अरे हाँ वो तो सिंपल ही मॉडल अच्छा लगा, मैं पूछ रहा हूँ बस एक जानकारी के लिए। सुपर स्प्लेंडर भी देख लो, डिलक्स लक्स डिलक्स ये वाली गाड़ी है। और यो मॉडल कब निकल गो? हाँ वही तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यार्ड ये है पीछे, क्या चीज समझ में ही सोनू थरा का? देखो मेरे को तो समझ में सोनू साइन एसपी आए, लेकिन वो मिली नहीं, मतलब मिलेगी नहीं, अपन बुला लेंगे। लीवो भी समझ नहीं रही है अभी, देखो कंफ्यूजन है, जब लेंगे जब तुम्हें बताएंगे। अभी कोई हमारा पक्का फिक्स नहीं है, अभी सिर्फ हम गाड़ी देख रहे हैं। हाँ यो पल्सर जा रही है, यो घोड़ा है बस, ये में एक ही चीज तो बेकार है यार, पर रात होते तो ये चमकने लगी यार, नहीं तो अभी तो धूल दिख रहे थे। बट करके नहीं पीती, ओक लगा के पीती। अरे यार बुरा ही मत कराया कर यार, तुम बुराए मत कराया करो यार तुम। भाई साहब जहाँ फटाका बाजार है, हमने फटाका बाजार भी देखा, लेकिन हम जितना फटाका बाजार को देख रहे थे उससे ज्यादा फटाका बाजार हमें देख रहा था। वो सोच रहा था हमसे फटाके लेंगे, लेकिन हम लेने नहीं आए थे, हम तो ऐसे ही देखने आए थे। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। और गाड़ी का तुम अगर सोच रहे हो कि हम लेने वाले हैं कोई सी, तो सोच तो तुम सही रहे हो, लेकिन दिक्कत ये है कि अपने को जो चाहिए वो मिल नहीं रही। नहीं लेनू तो है कसर, लेनू कई को कही रो, कई को नहीं लेनू। यो तो पहले भी कही रो, तो लेनू गाड़ी तो लेंगे नहीं है, यो कही रो नहीं लेनू। आखिर चक्कर क्या है? मतलब आराम से लेंगे, अभी इतनी जल्दी दीपावली से शायद बाद ही आएगी, क्योंकि अभी जो अपने को चाहिए वो तो मिली नहीं, तो दीपावली के बाद आएगी वो, तब देखेंगे, क्योंकि बुकिंग कराना पड़ेगा। अभी तो जब मिली नहीं तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि अब रहने दो, लेकिन देखेंगे, बात करेंगे कोई सी, अगर मिल जाएगी कोई नहीं लेगा तो अपन ले लेंगे वो। बाकी हाँ देख लेंगे वहाँ हरदा में। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जयराम जी की।